अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टोरोसेलेस थ्योरम। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट टोरोसेलेस थ्योरम इज दैट इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन विच स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस अंडर ग्रेविटी। अब अगर हम इसके प्रूफ की तरफ आएँ और इसके प्रूफ के लिए जो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, नाउ यू कैन हैव अ लुक ऑफ द फिगर। लेट सपोज वी आर हैविंग अ वाटर टैंक। हमारे पास एक बहुत बड़ा जो है वो वाटर टैंक है और इस वाटर टैंक के लोअर बॉटम के पास एक होल है। नाउ वी आर हैविंग एन ऑफिस और द होल एंड दिस होल इज़ नोन एज द होल ए। इसको हम होल ए का नाम देते हैं। नाउ वी आर हैविंग टू ओपनिंग्स। एक तो आपके पास टॉप ओपनिंग है या आपके पास टैंक जो है ये इतना जो है वो लिक्विड के साथ फ्लूड के साथ भरा हुआ है। वी आर हैविंग टू ओपनिंग्स टू द फ्लूड। एक आपके पास टॉप ओपनिंग है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टॉप दैट इज ए वन। द स्पीड ऑफ द फ्लूड एट द टॉप दैट इज टेकन टू बी द वी वन। और टॉप से लेकर बिल्कुल नीचे तक का जो आपकी टोटल हाइट है दैट इज टेकन टू बी एच वन। जबकि दिस इज़ द बॉटम ओपनिंग, बिल्कुल क्लोज टू द बॉटम है और इसकी जो हाइट है फ्रॉम द बॉटम दैट इज़ टेकन टू बी एच टू। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ टेकन टू बी ए टू। और इससे जो आउटवर्ड फ्लूड की स्पीड है दैट इज़ टेकन टू बी वी टू। तो यहाँ पे आपके पास तीन तरह के पैरामीटर्स आ चुके हैं, टॉप ओपनिंग के लिए हाइट that is taken to be h1, area of cross section that is taken to be a1, and the velocity of the fluid at the top opening that is taken to be v1। बिल्कुल वैसे ही bottom opening के लिए आपके पास जो height of the opening है that is taken to be h2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज टेकन टू बी ए टू, एंड द स्पीड और द वेलोसिटी एट द बॉटम ओपनिंग ऑफ द फ्लूइड दैट इज इक्वल टू वी टू। नाउ वी कैन अप्लाई, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं कि रिजल्ट आपके पास क्या आता है, एंड इन द रिजल्ट आपके पास रिलेशन बनेगी स्पीड ऑफ फ्लक्स की और विद द स्पीड ऑफ फ्लक्स एंड द वेलोसिटी गेन, मतलब कि हाइट और स्पीड के दरमियान में आपके पास इन द एंड रिलेशन आनी चाहिए। दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द टोरोसेलेस थ्योरम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग द बर्नौलीज इक्वेशन। और बर्नौलीज इक्वेशन हमारे पास क्या कहती है, दैट पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन दैट मस्ट बी इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। ये आपके पास इक्वेशन जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पे आपके पास हमें पता है बहुत तेज़ी के साथ फ्लूइड जो है वो हमें आउटवर्ड फ्लो करता हुआ दिखाई देगा, जिसमें सेट कि वी टू की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतनी तेज़ी के साथ जो है फ्लूइड जो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से अगर आप इस टैंक में पानी की स्पीड, पानी कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, वो स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल होती है। अगर हम यहाँ पे V1 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, देन वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो रिज़ल्ट है वो कहता है दैट ए वन वी वन दैट मस्ट बी इक्वल टू ए टू वी टू। और यहाँ से वी वन दैट इज़ इक्वल टू ए टू ओवर ए वन वी टू जो है वो आपके पास आंसर आएगा। बट नाउ अगेन यू कैन हैव अ डीपर लुक ओवर हेयर। हमने कहा ए टू, दिस होल इज़ वेरी स्मॉल, सो द ए टू दैट इज़ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल ए दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। द न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन दैट इज़ वेरी स्मॉल, वेयर एज ए वन दैट इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टॉप साइड ऑफ द टैंक दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बहुत लार्ज है, देन आंसर विल बी वेरी वेरी स्मॉल एंड वी कैन टेक दिस आंसर दैट विल वेरी क्लोज टू जीरो। तो यहाँ पे इक्वेशन में जहाँ पर वी वन आएगा वी कैन टेक इट एज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास जो इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन जो है बच जाएगी, वी वन की वैल्यू को हम जीरो के इक्वल जो है वो पुट कर देंगे, ये पूरा पार्ट जो है ये पूरा जो है टर्म ये कैंसिल हो जाएगी।
निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग इक्वेशन आपके पास बचेगी दैट विल बी पी वन प्लस रो जी एच वन दैट इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। नाउ कम टू द टर्म्स पी वन एंड पी टू, दीज आर द प्रेशर्स। नाउ यू कैन सी कि इस पूरे में हमने कहीं भी प्रेशर की जो टर्म जो है उसको नहीं डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि इस पूरे में आपके पास जो वन एंड ओनली प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस टॉप ओपनिंग के ऊपर भी सेम है और इस बॉटम ओपनिंग के ऊपर भी उसकी वैल्यू सेम है, दोनों बराबर हैं। तो अगर दोनों बराबर हैं और यहाँ पर आप पी वन इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू पी ले सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर भी पी ले लें और यहाँ पर भी पी ले लें देन दे कैन बी कैंसिल आउट बाय टेकिंग वन टर्म ऑन द अदर, दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। जो चीज़ आपके पास बच जाएगी दैट विल बी रो जी एच वन दैट इज इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, दिस विल बी द टर्म यू आर लेफ्ट विद। अब यहाँ से आप रो सॉरी वी टू स्क्वायर की वैल्यू एक साइड पर रखें, बाकी सब चीज़ों एक साइड पर ले जाएँ, सो इट विल बिकम हाफ रो वी टू स्क्वायर और ये बन जाएगा रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू। यहाँ से भी रो कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से भी रो कॉमन लिया जा सकता है, तो ये वाला रो जो है ये इन रोज के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपकी फाइनलाइजेशन में कोई रो यानी कि जो है डेंसिटी की कोई टर्म नहीं होगी। तो यहाँ पे वी टू स्क्वायर टू वहाँ पे चला जाएगा, जी कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बच गया एच वन माइनस एच टू। वी डोंट नीड अ स्क्वायर वैल्यू सो वी विल टेक द रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपके पास जो आपका फाइनल आंसर आएगा वेलोसिटी का दैट विल बी वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी इंटू एच वन माइनस एच टू, दिस विल बी द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्स। नाउ यू कैन सी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वी टू एंड वी टू इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ द फ्लूइड वाइल मूविंग आउट फ्रॉम द ऑफिस और द होल ए। तो यहाँ पे दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द टोरिसेलिस थ्योरम दैट टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्स एंड द हाइट विद विच द फ्लूइड इज फॉलिंग थ्रू। हम दिस मीन्स दैट कि ये स्पीड जो है दिस विल बी द सेम ऑफ द फ्लूइड, और अगर इतनी हाइट से हम किसी बॉल को भी फेंकेंगे देन इट दैट बॉल विल गेन द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द फ्लूइड। अब ये जो है ये हम बात कर रहे हैं कि हमने ओपनिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो ओपन की है और फ्लूइड जो है वो आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। अगर इसकी बजाय आप एट द सेम हाइट पर आप कोई एक और ऑफिस जो है वो ओपन करते हैं, दिस इज द पॉइंट बी, और इसके साथ आप कोई भी ट्यूब अटैच कर देते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन अगेन एट दिस पॉइंट बी द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्स दैट विल बी द सेम। डज इट मैटर कि इस वक्त फ्लूइड जो है उधर नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था, इधर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था, द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्स दैट विल बी द सेम। सो इट वॉज ऑल अबाउट द टोरिसेलिस थ्योरम दैट इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल और एन एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन।